अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फूड फैक्ट्री विद स्पाइसेस। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ तड़कों वाले राइस के, जो बहुत इजी रेसिपी है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 2 ग्लास चावलों को भिगो के रखा हुआ है। यहाँ पर ये हमारे साबुत गरम मसाले हैं, जिनमें मैंने ज़ीरा, काली मिर्चें, लौंग, दारचीनी, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, इनका इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून सॉल्ट है 2 ग्लास चावलों के हिसाब से। और यहाँ पर मैंने 1 टुकड़ा अदरक का और मेरे पास छोटे साइज़ की ग्रीन चिलीज थी जो मैंने 6 इस्तेमाल की हैं, उनकी यहाँ पे पेस्ट बना के रखी हुई है। अब सबसे पहले ये पैन में मैंने ऑयल लिया है, जिसको प्री हीट करना है हमने। जैसे ही ऑयल जो है हमारा गर्म होने लगे, हमने ये साबुत गर्म मसाले जो हैं इसको ऑयल में ऐड करना है। ये देखिए, यहाँ पे ऑयल जो था हमारा गर्म हुआ, तो हमने तमाम मसालों को इसमें डाल दिया। और अब हमने इसको 1 मिनट तक किसी तरह चम्मच चला के इन ऑयल में पकाना है। मसालों को ऑयल में पहले हमने इसलिए ऐड किया है कि ताकि आपके चावलों में इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये एक छोटी सी हिट टिप होती है, जिससे आपके चावलों में बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत अच्छा जायके के चावल आपके तैयार होते हैं। तो 1 मिनट के लिए हमने इन तमाम मसालों को इसमें पकाना है। अब इसके बाद ही ये जो हमारी पेस्ट है, हमने इस तरह से हमने अपनी पेस्ट ऐड कर दी। इसके बाद ये जो सॉल्ट है हमने वो ऐड करना है। हम देख सकते हैं, और इसकी मिक्सिंग हम अच्छी तरह करेंगे। इसको हमने अच्छी तरह पकाना है, इसकी भुनाई करनी है। जितना अच्छा हम इसको कुक करेंगे, भुनाई करेंगे इसकी, उतने अच्छे आपके चावल तैयार होंगे। और इस यही बस 3 चीज़ें हैं, साबुत गर्म मसाले, सॉल्ट और ये जो हमने पेस्ट बनाई हुई थी, इसी की मदद से ये चावल तैयार होते हैं। तो इससे मसाला अच्छी तरह भुना हुआ होना चाहिए। याद रखिए कि ये जो राइस आप पकाएंगे, इनको आप किसी भी दाल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। पालक गोश्त बनाइए घर में, तो उसके साथ भी ये चावल जो हैं वो अच्छे लगते हैं। कोई भी दाल हो, कोई भी सब्ज़ी हो, तो ये जो राइस होते हैं स्पाइसी होते हैं, तड़के वाले होते हैं, तो आपका जो साथ मतलब बहुत अच्छा ये कॉम्बिनेशन है। आपको लगे ड्राई होने लगा है तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, ताकि आपने अच्छी तरह इसकी बुनाई करनी है तो उसके लिए थोड़ा सा पानी आपको डालना पड़ेगा। यहाँ हमने काफ़ी देर इस मसाले को भून लिया है, इसके बाद हम 2 कप पानी इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे 2 कप पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया, और हाई फ्लेम पे अब हम इसको बॉइलिंग टेम्परेचर पे लेकर आएंगे। साथ ये जो चावल हमने भिगोए हुए थे 30 मिनट्स के लिए, हमने वो ऐड करने हैं इसमें। चावलों को भिगोना ज़रूरी है, कुछ लोग भिगोए बगैर भी चावल बना लेते हैं, लेकिन आप इसको भिगोते हैं तो उससे क्या होता है, ये फूला हुआ चावल आपका तैयार होता है। यहाँ पर हमने अपने चावल इसमें ऐड कर दिए हैं, और अब हम इसको कुक करेंगे। इसका लिड आपने इस तरह से लगा देना है इसके ऊपर, वो अगर हम फुल कवर कर देंगे एकदम तो पानी ऊपर आ सकता है। जैसे ही बॉइलिंग टेम्परेचर इसका स्टार्ट हुआ था, मैंने यहाँ पर अपना लिड पूरा कवर कर दिया, और अब हम इसे कुक करेंगे। यहाँ पे हम अपना लिड उठा के देखेंगे, ये चावल जो है वो हमारे पक रहे हैं। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी लुक आपको दिखाई दे रही है। इस तरह से हमने इसको पकाना है। हम अपना लिड जो है दोबारा लगा देंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैं इसको ऐड कर रही हूँ। आमतौर पे पुलाव और बिरयानी में क्या होता है, हम दम के टाइम पे लगाते हैं। यहाँ पर इसकी अच्छी लुक के लिए, जैसे पालक के साथ आप देखते हैं तड़के वाले राइस, या दाल के साथ जो होते हैं वो लोग देने के लिए, मैंने इसमें फूड कलर ऐड कर दिया, और उसको हमने पकने के दौरान ही इसमें डाल दिया। ये देखिए, यहाँ पर हमारे चावल जो हैं वो पक चुके हैं। अब हम इसका जो फ्लेम है वो सबसे लो पे कर देंगे, और आप देख सकते होंगे कि फूड कलर ऐड करने से कितना अच्छा इसका कलर आपको दिखाई दे रहा है, और कितनी अच्छी इसकी लुक है। खुशबू भी बहुत अच्छी इसकी आ रही है। अदरक और हरी मिर्चों का जो मसाला हमने बना के भूना था, उसकी इतनी अच्छी खुशबू है।
अब हम इसको दम पे रख देंगे। यहाँ पर चावलों को हम चेक करेंगे, ये देखें मज़ेदार जो हैं चावल हमारे तैयार हो चुके हैं दम में। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ यखनी वाले तड़के वाले राइस कैसे बनाते हैं वो भी शेयर करूँगी कि किस तरह से वो तैयार करते हैं हम। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कोई भी दाल सब्ज़ी जो है इवन के स्पेशली पालक गोश्त जो है उसके साथ ये राइस बहुत अच्छे लगते हैं, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगे, कमेंट ज़रूर दें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।